नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा में कांग्रेस हाईकमान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां मोदी और योगी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पदयात्रा की शुरुआत की गई है। ये पदयात्रा आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगी। इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता हर गली और मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को बताएंगे। साथ ही आम जनता के साथ सरकार कैसे छलावा कर रही है, इसकी जानकारी देते हुए आम जनता को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। ये यात्रा का मकसद 9 अगस्त 1942 में जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज क्योंकि 9 अगस्त कांग्रेस का महत्वपूर्ण दिवस है, बल्कि पूरे देशवासियों का महत्वपूर्ण दिवस है। कांग्रेस 9 अगस्त को हर साल ये कार्यक्रम करती है। चूँकि इस वर्ष आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, तो कांग्रेस एक पूरे सप्ताह का 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश की सभी लोकसभाओं में, सभी विधानसभाओं में सभी कांग्रेस जन पदयात्रा के माध्यम से इस देश की बढ़ती हुई महंगाई, इस देश में लागू हुई GST, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे किसी तरीके के किसानों का काले कानून रहे हो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले कांग्रेस के वो महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने इस अंग्रेजों को इस देश से हटाया, आज फिर वो 9 अगस्त है। इसमें कांग्रेस के लोगों ने आज संकल्प लिया पूरे देश के अंदर, अब हमें एक लड़ाई और लड़नी होगी। अगली खबर आगरा से है। आगरा कैंट स्टेशन पर RPF की तिरंगा यात्रा का जोशीला स्वागत किया गया। RPF के जवानों ने फूल माला पहनाकर दल का स्वागत किया। वहीं तिरंगा यात्रा दल में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जोन के RPF के जवान शामिल थे। ये देखकर न्यूजीलैंड की सेना में अफसर दंपति ने जवानों के साथ सेल्फी ली, फोटोग्राफी कराई और तिरंगे को सैल्यूट किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए RPF की ओर से अलग अलग जोन से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारतवर्ष में रेलवे सुरक्षा बल ने टोटल 4 रैली निकाली हैं, जो नेशनल पुलिस मेमोरियल दिल्ली में पहुंचेंगी। उन्हीं में से एक रैली ये वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे और WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इन तीनों रेलों की ये सम्मिलित रैली है, मोटरसाइकिल रैली जो यहाँ आज आई है। I'm David from New Zealand visiting here on holiday. We've had a fantastic 2 days in Agra. We've come like every tourist to see the main features of Agra and had a lovely time. 2 days is not enough in Agra, I assure you. And we are now heading back to Delhi and then we go back home. We've had a lovely time and privileged so much to be part of the group here and invited to the photograph. Thank you for your hospitality. खबर कन्नौज से है। कन्नौज में तिरंगा वितरण और सदस्यता अभियान चलाने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं हर घर तिरंगा मुहिम पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि तिरंगा का विरोध करने वाले अब घर में घुसना चाहते हैं। दरअसल कन्नौज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घासीराम के गाँव झौवा पहुंचकर वो परिजनों से मिले और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर बस्ती से है, जहां परसरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने अपने पति और पति के घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं। महिला को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। इसमें महिला ने अपने परिजनों पर आरोप लगाया है मारपीट का और उत्पीड़न का। इसमें एक FIR भी पूर्व से 498/323 की थाना प्रस्ताव पर दर्ज है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, इसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया और इसमें विवेचना करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, रेप का आरोप भी लगाया है।
ये विवेचना का विषय है, विवेचना के पश्चात जो भी तथ्य सामने आए उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। अगली खबर देवरिया से है, जहां आज पूरे जिले में बड़े ही धूमधाम और भाईचारे के साथ मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। दरअसल इस्लाम धर्म में इस त्यौहार को काफ़ी अहमियत दी जाती है, कारण इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नमासे इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, सिद्धार्थनगर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से हर घर तिरंगा फहराने को लेकर मुहिम चला रही हैं, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। वहीं जिले के डुमरियागंज विधानसभा से सपा विधायक सैयद खातून ने अपने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा फहराया। सपा विधायक ने लोगों से अपील की, आप लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं और आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाएं। आज 9 अगस्त है, आज का दिन क्रांति दिवस का दिन है। हमारे पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को आदेश दिया था कि आज 9 तारीख है, 9 तारीख से सब हर कार्यकर्ता के घर पे झंडा लगना चाहिए और हम लोग उसी क्रम में सब सारे काम कर रहे हैं। अपने एक एक कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि झंडा अपने अपने घरों पे लगाएं और जितने समाजवादी के लोग हैं सारे लोग अपने अपने घरों पे आज से झंडा लगाना शुरू करेंगे, आज से लेकर 15 अगस्त तक। आज 9 अगस्त है, आज का दिन क्रांति दिवस का दिन है। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, बंदूक और 60 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इसने असलहा फर्जी लाइसेंस पर खरीदे थे। बता दें कि पकड़ा गया अभियुक्त पेशे से वकील है, जिसके ऊपर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये पूरा मामला शाहजहांपुर रोजा थाना क्षेत्र के लोधीपुर का बताया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में हुए मूसलाधार बारिश के चलते भवाली नैनीताल मार्ग जो एक सप्ताह से बंद था वो जिला प्रशासन की पहल से आज हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। वहीं जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल ने बताया सुरक्षा के दृष्टिगत शाम के समय सभी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही भारी वाहनों के लिए भी मार्ग को खोल दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।